नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्विज़। 10 क्वेश्चंस हैं और हम 10 के 10 क्वेश्चंस लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना हमें आ रहा है इन 10 10 क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं हम। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, पिंगू, किन्स। ठीक है, चार ऑप्शन हैं, एडम स्मिथ, मार्शल, पिंगू और किन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? एडम स्मिथ। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ठीक है, ऑप्शन है शनि, मंगल, बृहस्पति, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब हमें 3 में से क्वेश्चंस फाइंड करना है। बताइए, बृहस्पति। ठीक है, नासा के बृहस्पति संबंधित एक मिशन का नाम है जूनो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ठीक है, हमें रीजन बताना है कि जो बादल हैं वो वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं। ठीक है, वायुदाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। ठीक है, हमारा राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है निम्न घनत्व। निम्न घनत्व हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता, प्रत्यास्था। ठीक है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? सिद्धांत पे काम करता है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है साबुन का निर्मलन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? स्टेटमेंट, सिग्नेचर, एरर, ए एंड बी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एरर। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को बेंगलुरु भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। तो आपका राइट के आंसर क्या है? राइट आंसर है मैग्नेटाइट। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क है? तो मैग्नेटाइट ये अयस्क है। ठीक है, 8 नंबर। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0, 100, 77, 65। तो लेड प्रतिशत में लेड का जो प्रतिशत होता है वो 0 होता है। आप इसको याद रखिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं अपने 9वां क्वेश्चंस है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑलराइट, सही बात है भाई, किया जाता है, चुनाव किया जाता है, लेकिन क्या पद्धति क्या है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित पद्धति द्वारा,
अनुपातिक प्रणाली द्वारा या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित पद्धति द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इसी पद्धति पे कार्य करता है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57, ठीक है, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है, ठीक है। इस अनुच्छेद के पास, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस। अगर अच्छे लगे हों और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।